सत्संग जी धन बहादुर सिंह महाराज ने अपना जिहड़ा जीवन सी गुरु नूं समर्पित किया। धन बाबा करम सिंह जी महाराज दे हो के सत्संग सारा जीवन गुरु नूं समर्पित करके ते भगत कबीर साहब जी कहिंदे एक वीर जैसी उपजी पेड़ ते जो तैसी निबह ओड़ हीरा किसका वापरा पुजै न रतन करोड़। जिस तरह पैदे होए सी जन्म मिलिया जिस तरह क्योंकि बच्चे विच कोई बल नहीं हुंदा कोई छल नहीं हुंदा किसी प्रकार की होमै नहीं होया करती बच्चे नूं सत्संग जी रब दा रूप मन्निया जांदा है। फिर उन्होंने संगत की संत बाबा ईसर सिंह जी महाराज संत बाबा कृष्ण सिंह जी महाराज जी ने सत्संग जी उन्हां महापुरखों ने बचन कमा के जीवन से लागू करके जिवें कल बाबा जी ने दरहौना किया सी ते छोटे महाराज नूं कहना किया साडा जिहड़ा ये गुलाब सिंह ईसर सिंह है भोला है ते सत्संग जी इहदा ख्याल रखना। एक म्यान दे विच दो तलवारां अज तक सुनिया नहीं कोई एक स्थान ते दो साधु टिके होण पर सत्संग ते नवा के छोटे महाराज ते वड्डे महाराज फिर राड़ा साहब की पावन धरती इत्थे कहड़ा तोट आ गई अजे तक। फिर संत बाबा तेजा सिंह जी महाराज एक पासे ते एक पासे संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज जिन्हां यार विच जुड़ के बैठे हो बड़ा सादा जीवन महापुरखां दा दर्शन आपां सारिआं ने कीते ने सत्संग जी वड्डियां दे जीवन नूं हुक्म नूं जीवन ते निभाउणा कीता भावां कि सत्संग जी उन्हां वास्ते ये सारा कुछ संसार का जिहड़ा भी प्रभत है बहुत छोटी वस्तु हो रहा होया करती है पर सत्संग लोगन की चतराई ये त्याग दी उन्होंने लोगों दड़ेइया त्याग दतियां जिहड़ा संत महाराज ने ड्यूटी लाती सत्संग जी भावें कि वह अपनी अखीर दम तक निभा दिती सत्संग जी एवें जादा नहीं आप मना रहे उन्होंने महापुरखों दियाँ जिन्होंने अपना आपा गुरु नूं समर्पित किया जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल किलाली। फिर संत बाबा बघेल सिंह जी महापुरख वह भी बड़े सादे जीवन संत बाबा बलवंत सिंह श्रीमान महाराज जी के हुक्म के अनुसार सत्संग जी उन्होंने भी अपना जीवन गुरु नूं समर्पित किया। सत्संग सोचा जाए बाणी इस गल्ल ते संबोधन करती है साधु दिंदा जीवन दान वह महापुरखों का जीवन दान सत्संग जी जिन्हों देना किया वह अपने जीवन से हंडा रहे हैं कि महापुरख मैनू बचन करके गए सिया मैं अपने जीवन से लागू करा। साढ़े प्यारे अजीत वड्डे भ्राता बाबा धर्मपाल सिंह जी महापुरख जिवें जिवें संत बाबा बलवंत सिंह जी महाराज ने अपने जीवन में सत्संग जी बचन किया तो निभाते आए जिवें पहला दस तो भाई बाबा रणजीत सिंह जी बेनती करके गए ने सत्संग जी ये उन्हां दी बात मन्नी जांदी जिहड़े किसी नूं समर्पित हुंदे ने जिहड़े किसी नूं आपां अपना सौंपदे ने जिहड़े किसी दे बणे नहीं उन्हां नूं किसी ने की पुछना। सो आओ इन्नियां बेनतियां प्रवान करो महापुरखां नूं बेनती की सी मां महाराज जी समाप्ति आप जी कर दिओ ते महापुरखां वल्लों हुक्म है सत्संग आओ सारे संगत रल मिल के गुरु स्तोत्र विच हाजरी लवाउणा करिए होइयां बेंत फुल्लां दी खिमा गुरु गुरु की संगत बख्शन जोग है कोटान कोट शुक्रिया सच्चे पातशाह साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिन्हां ने बड़ी अपार कृपा मेहर बख्शिश की है आपां नूं तीन दिन का सुभागा समा प्राप्त होया। वैसे तो कई समय तो लै करके खंड पाठ साहबाना दी लड़ियां चल रही ने सात संगत आ के हाजरियां भरदियां ने यह सदा ही स्थाना ते सतसंग जी भावां के कीर्तन गुरु के शब्द वापर चलते रहते हैं गुरबाणी के प्रवाह चलते रहते हैं तो सदा ही आके आप जी आनंद माण लो पर सत्संग तो विशेष दिन होया करते ने आप जुड़ो जिन्ना क हो सकता है बाकियों नूं प्रेर के लैके आया करो क्योंकि तोड़न वर्गा पाप नहीं तो जोड़न वर्गा पुन नहीं। महापुरखां नाल प्रेम रखदे आ सत्संग कोशिश करना तो एक एक प्राणी नूं घट्टो घट प्रेर के कल नूं लैके आउणा। सुआओ गुरु कृपा करे होइयां बेअंत फुलां दी खिमा सच्चे पातशाह गुरु की संगत बख्शन जोग है सब सारी संगत रल मिल के हुण गुरु स्तोत्र विच हाजरी लवाउणा करो। सतगुरु जी मेहर करन कल दा दीवान आप जी दा बाकी है बेअंत सारे महापुरखों ने आके आप जी नूं गुरमत दियां गुरबाणी दियां विचारां द्वारा निहाल करना है सब संगतां ने पाई आप वह चढ़ के आना आप आना ते बाकी प्रेर के लैके आना जरूरी।